तो वेलकम है गाइस, आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक बहुत ही स्पेशल ब्रीड के डॉग से ना, जिसका नाम है विल स्मिथ। और हमारे साथ है राहुल भैया, जो विल स्मिथ के पहल सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन इसका नाम स्मिथ है। और भैया इसका निकनेम क्या है? कालू है। कालू भैया ने इसका निकनेम बताओ यार, मतलब ब्रिटिश बुलडॉग, और इसका नेम क्या है? कालू। कालू है। तो कैसे हो कालू साहब? हाल चाल बढ़िया बताया मैंने। तो अभी आप वेलकम आपका हमारे चैनल में और आपके पैट के साथ। तो कैसे हो आप भैया? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे? बिल्कुल मैं बढ़िया भैया, हमारी ऑडियंस भी बढ़िया। तो इसके बारे में कुछ बताओ भैया कि ये आपने ये ब्रीड कैसे सेलेक्ट करी अपने होम के लिए या ब्रीडिंग के लिए, कैसे सेलेक्ट करी ये ब्रीड, कहाँ से आई आपके माइंड में? पहले तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत वेलकम है। और कालू है ये, इसकी ब्रीड है एग्जॉटिक इंग्लिश बुलडॉग है ये। ओरिजिनली बुलडॉग होता है, सिर्फ इंग्लिश बुलडॉग होता था। अब इसके अंदर कुछ रेयर कलर्स आ गए, ये पहले इन कलर्स को इंक्लूड नहीं करते थे इनके अंदर, तो ये एक अलग ब्रीड है, इसको एग्जॉटिक इंग्लिश बुलडॉग बोलते हैं। और बहुत क्या कहते हैं, अपना फ्रेंडली और फैमिली के हिसाब से, जिन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम एक्सरसाइज करवाने की जो नीड्स हैं, उन चीज़ों के लिहाज से बहुत अच्छी ब्रीड है। तो मतलब ये सारे फैक्टर आप देखने के बाद आपने ब्रीड सेलेक्ट करी? मेरे को एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, शौक हमें डॉग्स का है, तो एक बुलडॉग ऐसी ब्रीड होती थी जो हमेशा अट्रैक्ट करती थी हमको। हाँ। एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो बहुत सारी क्यूरोसिटी थी कि आखिर ऐसा क्यों है, इतना महंगा है, बहुत कम मिलता है। और एक अलग ही अपील मतलब है इस ब्रीड में ना, जिनको पसंद है उन्हें बहुत पसंद है, जिनको नहीं पसंद उनको समझ नहीं आता कि क्या है ये। और बचपन में ना एक बार ये ब्रीड है ना, वैसे भी देखने को देखी होगी, एक कार्टून आता टॉम एंड जेरी, उसके अंदर बुलडॉग से वो आता था, वो टॉम की पिटाई कर देता था। उसमें वो ब्लू कलर का बुलडॉग होता था, वो अब रियलिटी हो गया, हमारे पास भी ब्लू कलर के हैं डॉग्स, बुलडॉग हैं, तो वो उस टाइम पे नहीं होते थे, अब वो ब्लू कलर का बुलडॉग जो है वो आ चुका है रियलिटी में, इंडिया में है वो। हाँ बिल्कुल है। ओ भाई, मतलब जो हमने बचपन में टॉम एंड जेरी के अंदर बुलडॉग देखा था ना, जो टॉम की पिटाई करता था, वैसा ही डॉग भाई हमें मिल सकता है इंडिया में, वो भी हम आपको दिखाएंगे टाइम आने पे। तो ये कलर देखो भाई, कलर इतना प्यारा है, ट्राई कलर ब्लैक ट्राई है, ब्लैक ट्राई है ये, इसका फादर इम्पोर्ट है चाइना से। अच्छा, ये चाइनिया ओरिजिन चाइना से है या किसी और कंट्री से है? ओरिजिन देखो ब्रीड का जो है ये ब्रिटिश से है, इंग्लिश बुलडॉग्स जो है वो यूके से है। ओके ओके। और इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, थोड़ा घूम लेगा ये, अभी बैठा है, चलो। तो ओरिजिन तो इसका यूके लंदन से है, ठीक है। और उसके बाद अब ब्रीड तो पूरी वर्ल्ड में ही हो रहा है, ये हर जगह पे हो रहा है, पर इनकी ब्रीडिंग इतनी ईजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हर जगह पे नहीं होता, एक्सपेंसिव ब्रीड है, हर एक आदमी नहीं रखता। तो भैया वैसे ऐसा क्या है जो इसकी ब्रीडिंग को रेयर बनाता है और ऐसा रेयर स्पेशलिटी और ये एक्सपेंसिव बनाती है, दोनों चीज़ें आप बताओ, रेयर और एक्सपेंसिव। एक तो देखो इनको जो कंडीशंस चाहिए वो बहुत ह्यूमन लाइक कंडीशंस चाहिए, जैसे हम रहते हैं, तो ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर वाला, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो चीज़ें इनको, इनके लिए नहीं है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब कि ये ज़्यादातर ये इंडोर डॉग्स हैं, मतलब घर के अंदर रहने के लिए, और हम इनको ज़्यादा बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते हो, बात वो नहीं है, बात ये है कि इनकी अपनी एक तो ड्राइव जो होती है डॉग की, वो इतना ज़्यादा नहीं होती कि इनको सारा दिन एक्सरसाइज ही करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि लेज़ी डॉग्स हैं, दिन भर जो है ज़्यादातर टाइम अपना सोने में और आराम से बैठने में बिताते हैं, एक बार जब मैच्योर हो जाते हैं, एक साल की डेढ़ साल की उम्र तक थोड़ा सा ज़्यादा ही उदम करते हैं, उसके बाद थोड़े ठीक हो जाते हैं। अब इसके बारे में बात करूँ, जो स्पेसिफिक मेरे पास जो ब्लड लाइन है, जो मैं ब्रीड करता हूँ, मैं करता हूँ फंक्शन, ब्यूटी, उसका जो कलर है, स्ट्रक्चर है, हेल्थ है, टेम्परामेंट है, हर एक चीज़ उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक बात ये मान सकते हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद अपना पैट आप एक्सेप्ट करते हैं, है ना? मैंने ये लाइंस भी जो ली थी, मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें चलती हैं, आपको राइट गाइडलाइन नहीं देता कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को कोई चीज़ किसी तरह की पसंद आती है, एक ही ब्रीड के अंदर आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाते हैं।
हाँ, ये बात तो जैसे सही कह रही है। हम जैसे मार्केट में कोई सामान भी लेने जाते हैं तो उसके कलर, क्वालिटी और टाइप ऑफ कंपनी उसमें हमें बहुत सारी मिल जाती है। सेम ऐसा इस ब्रीड के साथ भी है। अब ये जो ब्रीड है, ये आजकल का जो लाइफस्टाइल है, अपार्टमेंट में लोग रहते हैं या घर में मेड है, ठीक है, और जिनका जो वेल टू डू लोग हैं, ये स्पेशली उनके लिए है, जो इतना इनके लिए इनको रख सकें ऐसी कंडीशंस में, अपने घर के अंदर रख सकें। ये उस तरह के डॉग्स नहीं हैं कि आप इनको बाहर छोड़ दो, या ये मतलब टेम्परेचर में वर्किंग टाइप के डॉग नहीं है। ये मतलब कंपेनियन है, फैमिली कंपेनियन। मतलब अगर हम कंपेयर करें इस ब्रीड को, अगर हम कंपेयर करें अदर ब्रीड लाइक फ्रेंच बुलडॉग से, तो ये उससे कैसा है? देखो, फ्रेंच और वो कंपैरिजन में हम जाएंगे, बहुत सारी डिटेल हैं। एक तो इसका और उसका वज़न बहुत डिफरेंस होता है। वज़न में, वज़न जब आपके वेट बॉडी पे डलता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो उसके हिसाब से उसकी स्टैमिना और उसकी जो कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग या कुछ भी करने की मोबिलिटी फंक्शन जो भी है, वो चीज़ चेंज होती है, चाहे वो कोई भी ब्रीड है। अब आप किसी ब्रीड को दूसरी से कंपेयर करना एक एस्पेक्ट के अंदर सही नहीं है, इसीलिए हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। अब फ्रेंच जो है, अगर उसकी आप करोगे, वो भी है मेरे पास, फ्रेंच भी हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में मैं फ्रेंच भी दिखाऊंगा आपको, इसके साथ भी दिखा दूंगा कि इनमें कितना फ़र्क होता है। अब दूसरी चीज़ है, फ्रेंच जो है वो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव और एथलेटिक डॉग है, बुलडॉग की तरह ही है, छोटा है, वो भी स्नब नोज डॉग है, हल्का होता है, लाइट वेट होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा एथलीट तरह का डॉग, बुलडॉग तो वो लाइक बीगल एक्टिव। हाँ, ये भी है तो, लेकिन हाँ, बीगल, अब बीगल अलग चीज़ है, वो हाउंड हो गया, ठीक है, अब उसके अंदर और चीज़ें। अच्छा, ये सारे सवाल मैं भैया से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भैया एक पैट लवर के साथ, एक पैट ऑनर के साथ एक प्रोफेशनल ब्रीडर भी हैं, तो इनके पास जो क्वेश्चन पुट आउट करके हम पूछ सकते हैं, उसके हमें एलिजिबल जवाब भी मिल रहे हैं। ये होता है फर्क एक एक्सपीरियंस का, जो कि नॉर्मल आपको ऐसे ही दो चार साल पेट पालने वालों के पास नहीं मिलता है। ये एक्सपीरियंस काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद, काफ़ी सारे एसेट्स लगाने के बाद बंदे को मिलता है। क्या सच है कि नहीं? तो एक चीज़ कहता हूँ, देखो आप कोई भी चीज़ करो, अब मैंने हमारे जो शौक है वो चल रहा है कभी कोई 20-22-25 साल से, लेकिन हमने ब्रीडिंग नहीं कर रहे हम तब से, क्योंकि हमने ब्रीडिंग करना तो एक पॉइंट है कि आप डॉग ले आए, दो आपने उनको ब्रीड करा दिया, वो ब्रीडिंग हो गई। लोग इतना ही समझते हैं कि वो बच्चे दे देंगी और उसके बच्चे हो जाएंगे, हम उनको बेच देंगे या इतने रेट में सेल हो जाएंगे, या ठीक है इनका खर्चा चल जाएगा, जो भी मोटे हो कुछ। लेकिन देखो, जब आप केयरफुल प्योर ब्रेड डॉग्स की मेटिंग करते हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका शौक, मेहनत, पैसा, डेडिकेशन, रिसर्च, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर किस्मत भी होती है। कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सब चीज़ लगाया तो आपने जो सोचा उस तरह का रिजल्ट आपको मिला। आपको फेलियर मिलते हैं, आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, आपके कंपटीशन में भी बहुत सारी, आपको लेट डाउन भी होगा, आपको प्रेस भी करेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन देखो, जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग एक अलग चीज़ है, वो तब होती है जब आपको पहले डॉग्स की, उनके लाइन्स की, उनके जेनेटिक्स की, किस तरह से डॉग्स काम करते हैं, डॉग्स की फिलॉसफी क्या है, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, आप उनकी हर एक एक्टिविटी को देख के पहचान सकते हो कि ये डॉग मेरा कुछ बीमार लग रहा है, नहीं सही है, इसको कुछ अलग चीज़ होगी है। इतना सब कुछ करने के बाद आप उस चीज़ पे आते हो कि हाँ, मैं ये चीज़ इस ब्रीड में ये कमी देख रहा हूँ, तो मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तब आप उसमें आते हो, ठीक है। फिर आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप, यार मुझे शौक है, अब मैं एक बच्चे की वो शौक था, जो मैं जब बच्चा था, कि मुझे बुलडॉग रखना है, तो मैंने पहले बुलडॉग रखा, फिर मैंने उसके ब्रीडिंग सब चीज़ें मैंने बहुत पढ़ा, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। नॉलेज तो भी ऐसी है कि टाइम गोल एक ही होता है कि हमें हेल्दी पपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करने, जब आप ब्रीड कर रहे हैं, आपने पालना है, तो आपका मोटिव अलग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें पालना है, हमें एक अच्छी चीज़ लेनी है। आप रिसर्च करके लो, आप उनके पास जाओ, आप नहीं जा सकते वीडियो कॉल करो, आप उनसे बात करो, जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन रिसर्च आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो बायर है, चाहे ब्रीडर है, चाहे सेलर है, इन सबका ये बनना चाहिए कि उनको ये चीज़ पूरी उसके साथ दें, रिसर्च के साथ दें। कि नॉर्मल स्टैंडर्ड कलर हो, ये फर्स्ट टाइम ऑनर्स के लिए ब्रीड कैपेबल है या नहीं? देखो, ये भी क्वेश्चन ऐसा है,
इन चीज़ों का कोई येस और नो आंसर नहीं। पहली चीज़ डिपेंड करता है कि जो ले रहा है, जो ओनर है, न्यू ओनर है या जो अडॉप्ट कर रहा है, उसके क्या सरकमस्टेंसेज हैं लाइफ के। क्योंकि एक डॉग जो है, आप अपनी लाइफ चेंज नहीं करोगे पूरी फैमिली की एक डॉग को लाके, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसकी। लेकिन आप ऐसा डॉग लेके आओ जो आपकी फैमिली की जो भी डेली का शेड्यूल है या जितना टाइम आप निकाल रहे हो वो उसके लिए सफिशेंट हो, ऐसी ब्रीड लो। अब बुलडॉग की बात है यहाँ पे, पहली चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास मतलब अंदर इंडोर में डॉग रहेगा, उसको गर्मियाँ हैं, गर्मियों से बचाना है, एसी चलेगा, बिजली का बिल आएगा, हाई क्वालिटी फूड खाता है डॉग, ठीक है, एनिमल प्रोटीन खिलाना पड़ेगा, वेजिटेरियन आप वो मत पालो डॉग, ठीक है। मतलब पालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चाहिए हमारे घर के अंदर एसेस के अंदर एसी मस्ट है ब्रीड के लिए। नहीं, कूलर भी चलेगा, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात डिपेंड करता है, अगर हम ब्रीड इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, एयर कूलिंग की सिस्टम रेटिंग अच्छा होना चाहिए और नॉर्मल वॉक पे भी ये रह सकता है डॉग। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप इसको सुबह शाम घुमाओ, बस जब बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है चीज़ें। ये ब्रीड के डॉग है ना भाई, मतलब वो फैमिली भी ले सकती है जो मतलब कि ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी नहीं करती, नॉर्मली घर में रहते हैं, छोटी सी फैमिली है वो भी ले सकते हैं, यानी फर्स्ट टाइम हमारा कालू वापस आ गया हमारे पास। तो मतलब अब ये देखो, मैं एक चीज़ और आपको बीच में इंटरप्ट करूँगा, अभी ये देखो टॉवल दे देना भैया, अब ये इतनी देर से हमारे साथ बाहर ही है, हाँ। गर्मी में ही है, तो कुछ लोगों को ना अभी क्योंकि ये भी हो जाता है यार ये बड़ा वीक डॉग है, इसको तो बहुत मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत वीक डॉग है या वीक होते हैं, ये हमारी ब्लड लाइन है। देखो अभी जब से हम बाहर ही हैं, यहाँ धूप है, दिन में 12 बज रहे हैं, अभी 12 बजे के टाइम पर ये घूम रहा है, पेंट करता है डॉग, नॉर्मल पेंटिंग है, ये सभी डॉग करते हैं, हाँ। ये इनका बिहेवियर है, कूलिंग डॉग है तो कूल डाउन ऐसे ही करता है, ऐसे अब डॉग अपने आप को रिलैक्स इसी तरीके से करता है, पसीने नहीं आते तो ये कूल डाउन ऐसे ही करता है। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत वीक डॉग है, खेलता नहीं है जी, लेजी पड़ा ही रहता है, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इसकी जो डेली एक्सरसाइज नीड्स हैं वो बहुत कम है, कम है, कम जगह में डॉग खेल लेता है, खुश हो जाता है, प्यार चाहिए इसको बहुत सारा, हाँ। ये हमेशा आपके पास ही घूमता ही रहेगा आपके साथ ही, मतलब ये प्यार का बुखार, हाँ, इसको कोई ना कोई चाहिए। जैसे हमने बुल डॉग्स की हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी देखी है, ये घर के अंदर ऑनर के साथ ऐसी तरह का स्नोर कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब पड़ा पड़ा ही खा रहा है, मतलब उसमें कैसा है, ये सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है, मतलब भाई जब वीडियो में देखते है ना कि बुल डॉग ब्रीड भाई पड़ी हुई है, खा रहा है, मोटे मोटे होते, मतलब ऐसा सीन है, मस्त वाला डॉग है यार ये, तारीफों के पुल बन रहे भाई इनके। खैर बस फैमिली मतलब कोई नया बंदा है वो डॉग ब्रीड को ऑन करना चाहता है, वो बेसिक्स जो नॉर्मली हम बेसिक्स की बात करें, कम फैक्टर जो वो हमेशा याद रखे, न्यू पप लेते समय क्या क्या चीज़ें नोटिस करें वो आप मुझे बताओ। देखो भैया, एक तो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है कि पप्पी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट पप्पी एक्टिव होना चाहिए जब हम इस ब्रीड में लें। आप बुकिंग के हमारे पास भी जैसे या कहीं भी आप बुकिंग करवाते हो, आप बुकिंग पे देखो बच्चे को, एक महीने का बच्चा देखो या उसके ऊपर, बेसिकली इस ब्रीड में एक महीने का बच्चा लेना चाहिए, लेना नहीं है, बुकिंग मींस के आपने एक बच्चा लेटर में से सिलेक्ट कर लिया कि ये पपी हम लेंगे, ये आप आगे किसी को ना दें, तो अडॉप्ट करने के लिए आपने उसको फाइनल कर लिया, वो आप 1 मंथ की एज पे भी देख सकते हो, अगर आप किसी ब्रीडर से बहुत पहले से एडवांस में उससे बात करके चल रहे हो कि हमें इससे लेना है, क्योंकि पर्टिकुलरली इस ब्रीड की पेडिंग कम होती है तो पहले से बुक करके चलते हैं ना, कम हो क्या होता है, ज्यादातर लोग ना सिर्फ रिंकल रिंकल ऐसे ही ढूंढते रहते हैं कि भैया रिंकल होना चाहिए, हां मतलब पूरी बॉडी पर रिंकल चमक। अब ये देखो, ये एडल्ट डॉग है, ये मेरे हिसाब से जो आइडियल बुल डॉग होना चाहिए ऐसा है, ठीक है, इसमें भी अभी थोड़ी सी कुछ सब में ही कमी होती है, कमियां होती है, वो तो नहीं है, लेकिन मुझे तो खैर इसमें ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही है, नहीं भैया पालते इनको एक्सपीरियंस है तो ग्रीड है कि भैया मेरे अंदर डॉग के अंदर और स्पेशलिटी होनी चाहिए, तो इस वजह से भैया कह रहे ऐसी कोई बात नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, देखो वो तो वो वाली बात है कि ठीक जो है वो बहुत अच्छा होता है, बात यह है कि आपको देखना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है, डॉग्स दोनों अच्छे वो हैं, सिर्फ रिंकल्स कुछ नहीं होता, नोज फोल्डर होता है, नोज फोल्डर बहुत ज़्यादा भी नोज फोल्डर, ये जो इसके नोज की जो ऊपर की स्किन कोट होती है उसको नोज फोल्डर कहते हैं, ठीक है। सेकंड
थर्टी इसके हम इसका नोज फोल्डर चेक करें कैसा है। ब्रॉड हेड होना चाहिए, ब्रॉड हेड होना चाहिए। फोर्थ थिंग इज ये अच्छी क्वालिटी की बता रहा हूँ मैं, जो चीजें हैं अच्छी ब्रॉड चेस्ट होती है, तो चेस्ट है इसका मतलब चौड़ा होना चाहिए। जैसे अदर डॉग से बुली डॉग जो माइक्रो बुली भी देखे होंगे, बुल डॉग देखे होंगे, इनमें चेस्ट है ना बिल्कुल चौड़ा होना चाहिए। इससे क्या होता है डॉग है ना काफी ज्यादा मस्कुलर लगता है और बड़ा लगता है, पूरा पीछे तक देखो सिस्टम। और मतलब जैसे मैंने इसमें एक चीज सुना है कि सर हाइट लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा भी है? ये भी है, ओवरऑल कॉम्पैक्ट और कंप्लीट डॉग लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा ही पीछे लंबा हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे स्क्वायर आप देख रहे हो ना, एक छोटा सा स्क्वायर रेक्टेंगुलर। अभी हमने कुछ बैसे मैं अपडेट तो रहता हूँ, अभी अपडेट करता रहता हूँ अपने आप को। मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी, फोटोज देखी, सर्च करता रहता हूँ, उनमें देखिए भाई बंदे शूज रख देते इसके ऊपर इसकी लेंथ को नापने के लिए, मतलब ये क्या था ये? देखो मैं वो तरीका होता है किसी भी चीज़ का, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ब्रीडिंग में आजकल क्या होता है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट के ऊपर ना ब्रीडिंग में काम होता है, जैसे कि यार इसकी बैक शॉर्ट कर दो, शॉर्ट होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। जैसे फ्रेंच बुलडॉग्स में होता है ये कि इनकी बैक ना थोड़ी और शॉर्ट होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। देखो बियॉन्ड ए पॉइंट आप किसी भी एक एट्रीब्यूट पर ही काम करते रहोगे तो डॉग खराब हो जाएगा। उसका हेड भी अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कम्प्लीटली वो एक ओवरऑल स्टेबल अच्छा डॉग लगना चाहिए। ऐसा चाहे कोई भी ब्रीड है वो इससे मैटर नहीं करता, चाहे अमेरिकन बुली है, चाहे बुलडॉग है, चाहे केन कॉर्सो है। अब मेरे पास जो वर्किंग डॉग भी हैं, अब केन कॉर्सो ऐसा डॉग नहीं है, अब जो इसके लिए आएगा वो केन कॉर्सो नहीं पाल सकता। नहीं नहीं, खैर दोनों चीज़ें तो खैर आज जमीन आसमान का अंतर हो गया दोनों ब्रीडों। अच्छा अब हम अगर इनकी बात करें तो हमने भी जो रिसर्च करी थी, हमें जो पता लगा सब तरह से कि आप एक हाई क्वालिटी कॉमर्शियल डॉग फूड खिलाओ वो इनके लिए ज़रूरी है। हाँ। और मल्टी वाइटामिन्स जो भी चीज़ें होती हैं साथ में सप्लीमेंट, हाँ वो कंप्लीट करो। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें क्या था कि हम हर एक चीज़ एकदम बेस्ट, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगा दो लेकिन इसको वो चीज़ दो जो नया बंदा करता है। हाँ, तो आदमी वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये नहीं देखते थे कि यार हमें लगता था कि अगर हम ये चेंज करेंगे इसको कमी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैंने हर एक ऑलमोस्ट कमर्शियल ब्रांड खिलाया हुआ है, अच्छी चीज़ है वो, लेकिन वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके पास समय नहीं है कि मैं अपने घर में बना के अब इसके लिए डालूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। ओके, वो टाइम कन्वीनियंस के लिए ही बनाए और उन्हीं लोगों के लिए वो ठीक है, लेकिन उसको वो भी लोग खिला रहे हैं जो लोगों के पास टाइम भी है कि उनके पास मेड हैं घर में या वो कर सकते हैं, वो भी उसी को खिला देते हैं, खिला देते हैं। तो उसकी एक अलग मतलब जो हर एक चीज़ का एक काम होता है ना कि यार ये इस चीज़ के लिए बना है, आपको इमरजेंसी है, चीज़ है, आप ट्रैवल करने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है रास्ते में आप डॉग को वो ज़्यादा कन्वीनियंटली खिला सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो डॉग खाते भी हैं कॉमर्शियल डॉग फूड वो 20-25% ही खाते हैं डेली डाइट, वो भी अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ की कमी हो रही है या हम बल्किंग कर रहे हैं या हमें लग रहा है यार ये कोई बाहर से डॉग आया है इसको अलग डाइट चाहिए, हम कहीं से लाए हैं, अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है या वो किसी चीज़ उसे सूट नहीं कर रही है, दूसरी कोई चीज़ हमारे पास बेसिकली चलता है चिकन, राइस, फिश, एग, कर्ड, पम्पकिन, स्पिनच, ठीक है, बीन्स भी देते हैं हम, और आपका ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे पेट्स होते हैं हम इनको चिकन नॉनवेज फूड के साथ साथ एक हेल्थी ग्रीन डाइट पे भी रखते हैं, वेज डाइट पे जिसे कहते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी लाइफ स्पैन थोड़ी ज़्यादा, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, लाइफ स्पैन टाइम बढ़ता है, जो कि डॉग के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी है ना कंसिडर करो कि अपने डॉग को, मतलब पपी एज तक डॉग फूड यूज़ किया ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद है ना उसे हम होममेड फूड पे भी लेके आए। आपकी जो भी रिक्वायर नहीं, कई ऐसे हैं जो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो ये अपनी कन्वीनियंस पे और इकोनॉमी पे दोनों चीज़ों पे फर्क पड़ता है। आपके पास पैसा है अच्छा तो आप बिल्कुल खिलाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं उन फूड के भी, और इस पे भी मतलब बहुत सारी बात की जा सकती है सिर्फ एक फूड पे ना, तो एक उसमें मैं इतना नहीं वो बता सकता, लेकिन बेसिकली जो एक डॉग फूड की डाइट, डॉग की डाइट है उसके अंदर आप डेली एनिमल फैट चाहिए, एनिमल प्रोटीन चाहिए उसको मैक्सिमम, चिकन, हाँ जो भी एनिमल्स हैं आप एनिमल मतलब यही है चिकन, हाँ मीट, रेड मीट हो गया, चाहे ये आपका चिकन हो गया, फिश हो गया,
और दूसरी चीज़ रहती है कि एक सबसे बड़ा पोर्शन इसी चीज़ का रहता है okay. उसके साथ एग डलते हैं, एग्स के अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपका उसके बाद डलता है वेजीज हो गए, ठीक है. वेजीज में क्या है, 20% ही होता है उसका भी जो पोर्शन है, अराउंड 10-20%. उसके अंदर हम पंपकिन वगैरह डालते हैं या कोई एक ही चीज़ डालते हैं, बदलते रहते हैं, उनके अंदर कुछ वेजिटेबल्स हैं, आप वो चीज़ें पहले रिसर्च कर लो कि क्या सेफ़ है देना, क्या सेफ़ नहीं है, वो सब चीज़ें आपको आप अपने हिसाब से देख लो और वो चीज़ डालते हैं. फिर होता है कि मल्टीग्रेन अनाज जो होता है, आप मल्टीग्रेन रोटी भी दे सकते हो उसके साथ में, ये अकेले अकेले नहीं देना सिर्फ. कई बार क्या होता है, लोग रोटी रोटी खिलाते हैं या चिकन ही चिकन खिलाते हैं, ऐसा नहीं है. आपको होल सब चीज़ें मिला के देनी है, चिकन भी देना है उसमें, वेजीज भी होगी, एग भी होगा. आप उसके साथ में एक या दो जो आपके डॉग की डाइट के हिसाब से कितना खाता है, आप उसको चपाती भी दे सकते हो, आप बॉइल्ड राइस दे सकते हो, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप, जैसे गर्मी बहुत है, आप लस्सी वगैरह पिला सकते हो दिन में, दही अच्छा रहता है, दही प्रोबायोटिक होता है. तो ये सब चीज़ें हैं जो डॉग्स को हम डेली देते हैं. कोकोनट ऑयल देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो इनके कोट के लिए मतलब पिलाना अच्छा है. हाँ, पिलाना है, पिलान कोकोनट ऑयल. एक बहुत ही अच्छी बात भैया ने बताई, एडिबल कोकोनट ऑयल होता है. कोकोनट ऑयल हम इनको मतलब ऐसे स्पून से देना है या फूड के अंदर डाल के देना, स्पून मतलब से चाट जाएगा, चाट जाएगा, चाट जाएगा. मतलब ये अच्छी बात होता है कि भैया ने कि हम अपने डॉग के कोट को स्मूथ करने के लिए है ना, इनको हम कोकोनट ऑयल भी दे सकते हैं, जो कि अपने मतलब चाट के या सिप करके ख़त्म कर लेता है. बहुत ही अच्छी बात, बहुत इकोनॉमिक चीज़ है और बजट फ्रेंडली भी है. रेगुलर यूज़ के लिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. आप 5 ml 10 ml अपने डॉग के वेट के हिसाब से पिलाओ, ठीक है. और ये जो भी, तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाते रहूँगा. और एक हम सबसे नॉर्मल बात करते हैं भैया, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम अपने डॉग को देने से हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताओ जो हमें इस डॉग को लेके या कि हर डॉग को लेके नहीं देनी चाहिए. देखो, कुक्ड बोन्स होती हैं, ओके, सबसे बड़ा नो है, कभी नहीं देना चाहिए. कुक्ड बोन्स जैसे कि आप, जैसे आपने चिकन बॉईल किया, हाँ? उसकी हड्डियाँ भी बॉईल हो गई, हाँ? आपने वो हड्डियों समेत तो डॉग को दे दिया, वो चीज़ नहीं देनी चाहिए. वो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात, इसके पीछे रीज़न, उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो जब बोन कुक हो जाती है, उसके जूसेस जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, हाँ? बाहर निकलने के बाद वो बहुत ही ब्रिटल हो जाता है. ब्रिटल मतलब वो ब्रेक हो सकता है, और उसके ना जैसे आप फांस बन जाती है ना, हाँ? तो डॉग अगर उसको खाएगा, पहली बात वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरी चीज़ वो डॉग के खाने के अंदर कहीं सुई जैसा निकल के उसके मुंह में लग सकता है, थ्रोट में फंस सकता है, तो वो चीज़ अगर फंस गई तो आप ये समझ लो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का ऑपरेशन हुए. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये है देखो, एक तो अल्कोहल, चॉकलेट, स्वीट्स, अल्कोहल, चॉकलेट, स्वीट्स, ये चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, ठीक है. स्वीट में आप फ्रूट्स दे सकते हो अपने डॉग्स को, बनाना दे सकते हो, लेकिन सीड्स वगैरह हटा के, हाँ, सीड्स हटा, फ्रूट्स वगैरह तो कुछ भी नहीं देना. कभी भी कोई फ्रूट देना है तो उसके अंदर सीड्स नहीं होना चाहिए. ड्राई फ्रूट आपको कभी नहीं देने हैं, ड्राई फ्रूट कभी नहीं देने, लाइक काजू, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं देने, सब कभी नहीं, मतलब ग्रेप्स नहीं देने, हाँ, ग्रेप्स में भी पॉइजनस होता है. चेरी नहीं दे सकते आप, चेरी नहीं दे सकते, ठीक है. और दूसरी चीज़ रहती है कि आप जो अपने डॉग्स को जब खाना वगैरह आप देते हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर बार जो बर्तन है वो साथ के साथ खिला के उसको साफ करो, साफ करो. पानी जो रखा रहता है, कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है, दो दिन में पानी बाल्टी भरी हुई है और आपने भरा नहीं, वो इसी, वो प्रॉब्लम क्या है, डॉग पिएगा उसमें बैक्टीरिया बन जाएगा, उसके सलाइवा गिरेगा. दिन में कम से कम 2 बार पानी को बदलो, अगर जिसके पास ज़्यादा डॉग्स हैं नहीं तो फ्रेश वाटर पिलाओ. खाने को कभी भी डॉग के आगे रख दिया, वो नहीं खा रहा है तो वहाँ मत छोड़. बात होती है इस ब्रीड के अंदर बीमारी क्या है, क्या नहीं है, और मतलब इनका इम्यून सिस्टम कैसा है, और था उसके बाद ये कि इस ब्रीड की डिवॉर्मिंग का क्या सिस्टम है. ये डिवॉर्मिंग सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ये दो चीज़ें आप मुझे बताओगे भैया. देखो, प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ है, ह्यूमिडिटी, जो चीज़ें मैं आपको बताई है अभी ऑलरेडी, बुल डॉग्स के लिए स्पेशली कि इनके रिंकल्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, आपको क्लीन करने हैं डेली, ठीक है. ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर उसमें बनता है तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है. मतलब कि हमें इस डॉग, अगर हम इस ब्रीड को ऑन कर रहे हैं तो हमें इसकी स्किन के अंदर जो ड्राइनेस आ जाती है या फिर कीड़ापन रहता है या फिर धूल भूल हो जाती है,
चिपचिपा बना रहता है, इन सब चीजों से हमें केयर करनी है डॉग की अच्छे स्किन कोट के लिए। आप उसको रिंकल वाले जो भी डॉग्स हैं उनके साथ आप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप उसको क्लीन करो और वहाँ पे वैसेलिन या कोकोनट ऑयल लगा दो। मतलब हम दो चीजें अप्लाई कर सकते हैं भैया के सजेशन के हिसाब से। फर्स्ट इज वैसेलिन जो इस कोट